हेलो फ्रेंड्स, एमएस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी। पानी पूरी का पानी भी बनाएंगे, मसाला भी बनाएंगे और पूरियां भी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी, 4 छोटे चम्मच तेल और इसे गूंथने के लिए है 1 कप गर्म पानी। इसे हम जरूरत के हिसाब से डालेंगे। और पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी हरा धनिया, 1 कटोरी पुदीना की पत्तियाँ और सूखे मसालों में लिया है चाट मसाला, भुने हुए जीरा का पाउडर, काला नमक और सादा नमक और लिया है 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी का आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने लिया 1 मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे सूजी और तेल और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। तो अब इसका डो तैयार करेंगे। इसे गूंथने के लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथना है। इसका नरम आटा गूंथकर तैयार करना है। हमने इसका नरम आटा गूंथकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है तब तक हम पानी पूरी के लिए पानी बनाकर तैयार करते हैं। अब हम लेंगे 1 मिक्सी का जार और उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक डालेंगे और सूखे मसाले में डालेंगे जीरा का पाउडर आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला आधी छोटी चम्मच, काला नमक आधी छोटी चम्मच और सादा नमक आधी छोटी चम्मच डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो हमने धनिया पुदीने का फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें मैंने खटास के लिए 1 नींबू का रस डाला है। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे 1 बाउल में खाली कर लेंगे और इसमें 1 बड़ा कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से इसमें बूंदी डाल देंगे। अब हमारा पानी पूरी का पानी तैयार है। तो हम इसके लिए पूरियां तैयार करेंगे। अब हम पानी पूरी का मसाला तैयार करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे 5 उबले हुए आलू और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और डालेंगे कुछ हरी धनिया की पत्तियाँ और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें उबले हुए काले चने या उबले हुए सफ़ेद मटर भी डाल सकते हैं। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आलू में। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज। अगर आपको पसंद ना हो तो भी चलेगा, अगर आप इसे डालेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। हमारा पानी पूरी का भी मसाला तैयार है। तो इसे ढककर साइड रखते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं सूजी के आटे को रेस्ट करते हुए। तो हम इसकी पूरियां बना के तैयार करते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से नरम हो चुका है। तो इसके ऊपर हम गीला कपड़ा रखेंगे ताकि हमारा यह आटा सूखे ना, नहीं तो हमारी पूरियां में क्रैक आ जाएंगे। तो तेल हमने गरम होने रख दिया है। तो हम इसकी लोइयां तैयार करते हैं पूरियां बनाने के लिए। इसी तरह से हम सारी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेंगे। हमें इसे ढककर रखना है या तो इसके ऊपर गीला कपड़ा रखना है ताकि यह सूखे ना। हमने सारी लोइयां बनाकर तैयार कर ली है। हमें इसे ढककर रखना है ताकि यह सूखे ना। अब हम एक एक करके बेलते जाएंगे और तेल में तलते जाएंगे। हमें पूरियों को एक साथ बेल कर नहीं रखना है, नहीं तो ये सूख जाएंगी और तलने में ये क्रैक हो जाएंगी। हम सारी पूरियों को मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक तलेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरियों को तेल में डालते ही अपने आप पूरियाँ फूल रही हैं। कितनी बढ़िया फूली फूली और कुरकुरी बनी हैं। इसी तरह से हम सारी पूरियों को तल कर तैयार कर लेंगे। हमें पूरियों को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। आप चाहो तो रोटी जैसा बड़ा सा बेलकर किसी डब्बे के ढक्कन की सहायता से इसे कट कर सकते हैं। अगर आपके पास गोल वाला सांचा हो तो भी आप उससे कट कर सकते हैं। अब हमारे गोल गप्पे बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फूले फूले हमारे गोल गप्पे बने हैं। सारी पूरियाँ हमारी फूली हुई हैं, एक भी इसमें से चपटी नहीं हुई हैं। अब हमारी पानी पूरी के लिए पूरियाँ भी तैयार हैं, पानी भी तैयार है और मसाला भी तैयार है। तो हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। और आपको यह पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि जो दिखता है वही बनता है एमएस किचन में। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।